अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हेयर टू डिस्कस अबाउट द वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज। इन फिशरीज वी डिस्कस अबाउट द फिश स्ट्रक्चर, देयर साइज एंड देयर शेप। सो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द फिश स्ट्रक्चर। इन फिश स्ट्रक्चर वी डिस्कस अबाउट देयर जनरल अपेयरेंस, देयर फंक्शन एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्टली फिश आर एक्वेटिक vertebrates. They make up more than half of all vertebrate species. जैसा कि उन्होंने कहा है कि जो फिश है ये aquatic vertebrates हैं। aquatic vertebrates वो होते हैं जो ऐसे जानदार होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अब हर सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए हमारे जहन में कुछ सवाल आते हैं कि हम इस सब्जेक्ट को स्टडी क्यों कर रहे हैं या इसको करने का मकसद क्या है, इसके आगे जाके हमें क्या इम्पोर्टेंस होगी या ये हमारी फील्ड में कैसे हमें हेल्पफुल करेगा। तो उन्होंने जैसे बता दिया है कि जो एक फ़िश है, ये फ़िश एक अननेचुरल स्पीशीज़ है या हम इसको कह सकते हैं ये मेन एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है जिससे आगे तमाम वर्टिब्रेट्स का हमें एवोल्यूशन कॉन्सेप्ट पता चलता है। उन्होंने कहा जो फ़िश है ये बनाती है मोर देन हाफ ऑफ ऑल वर्टिब्रेट स्पीशीज़। दे आर स्पेशली इम्पोर्टेंट इन द स्टडी ऑफ वर्टिब्रेट एवोल्यूशन। बिकॉज ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी वजह क्या है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है वर्टिब्रेट की एवोल्यूशन के लिए। उन्होंने कहा इसकी वजह ये है कि सेवरल इम्पोर्टेंट वर्टिब्रेट ट्रेट्स इवॉल्व इन फिश। अब आपको पता चल गया होगा कि ये फिश की इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। अब हमने देखने हैं फिश की बॉडी का साइज। Fish show great diversity in body size. They range in length from about 8 millimeter to 16 meters. 8 millimeters को अगर हम inches के हिसाब से देखें तो fish की body का size, अगर fish 8 millimeter है, अगर हम उसका minimum body size देखें तो वो होगा 0.3 inches. और अगर maximum body size देखें feet के हिसाब से तो वो होगा 53 feet. अब हमने देखना है कि फिश में हमने ये भी देखा है कि फ़िश के ऊपर बहुत ज़्यादा स्केल्स होते हैं। अब उन स्केल्स की इम्पोर्टेंस क्या है कि वो क्यों होते हैं या वो किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। अब सारी फ़िशेज में तो स्केल्स नहीं होते, कुछ फ़िशेज ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्केल्स पाए जाते हैं, तो वो पाए क्यों जाते हैं वो हमने देखना है। मोस्ट आर एक्टोथर्मिक एंड कवर्ड विद स्केल्स। अब ये स्केल्स का काम क्या है, ये स्केल्स प्रोटेक्ट करते हैं फिश को फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट्स एंड रिड्यूस फ्रिक्शन विद वाटर। मींस जो स्केल्स हैं ये फिश का एक प्रोटेक्टिव मटेरियल है कि हर इंसान को अपनी प्रोटेक्शन के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। इंसान देख लें या हम जानदार देख लें, अब जो फिश में है ना, अब हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए घरों में रहते हैं, इसी तरह दूसरे जानदार हैं जो जिस तरह हम देख लें फ़िश है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन पे होते हैं स्केल्स जो फ़िश को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं, प्रीडेटर से एंड पैरासाइट से। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये फ़िश में रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को विद वाटर। अगर फिश में फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए तो फिश जो फ़िश की बॉडी होती है ये स्ट्रीम लाइक होती है, सो फिश ईजिली मूव कर सकती है वाटर में। मल्टीपल ओवरलैपिंग स्केल्स प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबल कवरिंग डैट अलो फिश टू मूव ईजीली वाइल स्विमिंग। सो ये कुछ फंक्शन थे फिश का, अगर वो हमने देखे हैं फिश की बॉडी शेप के लिहाज से, कि अगर हमने फिश का देखें कि फिश का बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, वो हमने उस लिहाज से देखे हैं। आगे हम देखेंगे फिश की बॉडी शेप कि अगर फिश का अगर हमने स्ट्रक्चर देखना है तो फिश के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें होंगी। फ़िश के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने जनरल देखना है कि फ़िश का स्ट्रक्चर है कैसा, उसके बाद हमने डिस्कस करना है फ़िश की बॉडी शेप। पहले हमने डिस्कस करना है फ़िश का स्ट्रक्चर। इसमें ये वाली चीज़ जो होती है ना, ये होते हैं फ़िश के नोस्ट्रल्स, ये होता है फ़िश में ब्रेन, और ये जो आपको लाइन से पार्टीशन से नज़र आएगी ये होगा उसका स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन है और ब्रेन में ये होंगे उसके स्पाइनल कॉर्ड, और ये है उसमें स्विम ब्लैडर, और ये उसके डोर्सल फिन जो हम आगे जाके फर्दर उसकी बॉडी शेप में डिस्कस करेंगे, और ये उसके एडिपोज टिश्यू,
और इनका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रोट, और ये है कैजुअल फिन, और ये फिश के एनल फिन, और ये जो आपको लाइन सी ब्रीक सी पार्टीशन नज़र आएगी ना, ये है उसकी लेटरल लाइन जो फिश की बॉडी को एक प्रोटेक्शन मटेरियल प्रोवाइड करती है। और ये जो आपको नज़र आएगी ये है जो रेडिश कलर की है, ये यूरिनरी ब्लैडर और ये है एनस, यूरिनरी ब्लैडर के ये वाले साइड्स पे, और ये है पेल्विक फिन देन टू द गुनेड्स, और ये इंटेस्टाइन देन टू द स्टमिक। ये जो आपको मेजर बॉल सा ये फ्लफी सा स्ट्रक्चर नज़र आएगा ये है स्टमिक देन टू अ लीवर, और ये फिश में है किडनी, ये फिश का किडनी स्ट्रक्चर है, देन टू अ गिल्स, और ये है कट एट एज ऑफ अपर क्यूलम, ये है कट एट एज ऑफ अपर क्यूलम। ये है पूरी फिश की एनाटॉमी, ये फिश का पूरा लेबल स्ट्रक्चर है कि अगर फिश के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हमने फिश के स्ट्रक्चर में बताना है कि फिश के पूरे स्ट्रक्चर में एक्चुअली कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, और अगर इनमें जो स्ट्रक्चर हमें नज़र नहीं आ रहे जिस तरह स्केल्स वगैरह हैं तो वो होते हैं तो उनका फंक्शन क्या होता है, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि वो फिश को प्रोवाइड करते हैं एज अ प्रोटेक्शन मटीरियल फ्रॉम पैरासाइट्स एंड प्रीडेटर्स। इसके अलावा फिश के इजीली वाटर में मूव करने की, हम ये कह सकते हैं एक करंट लाइक मूवमेंट जो वाटर में प्रोड्यूस करती है ना फिश, ये अपनी सिर्फ स्केल्स की वजह से प्रोवाइड कर सकती है। ये वो रीजंस है जिसकी वजह से फिश करंट की तरह मूव करती है पानी में। अब हमने देखना है फिश की बॉडी शेप। सबसे पहले तो हमने देखा फिश के बॉडी का स्ट्रक्चर, और अगर उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं तो उनका क्या फंक्शन है। बॉडी शेप सबसे पहले ये है फिश में, अगर हम देखें उनकी फिन टाइप देखें, ये है सबसे पहले डॉर्सल फिन, सेकंड डॉर्सल फिन, और ये होते हैं एडिपोस, देन टू अ कैजुअल फिन, देन बॉडी शेप। अब फिश में बहुत ज़्यादा, फिश की बॉडी शेप के लिहाज से उनकी बहुत ज़्यादा टाइप हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्यूना, ये है फिश ट्यूना, फिश नेम है ट्यूना। इसकी शेप कैसी होगी, योगी फ्यूजी फॉर्म, और इनकी लोकोमोशन, इनके हरकत करने का या इनकी हम ये कहते हैं मूवमेंट्स का क्या तरीका होगा, ये फास्ट स्विमिंग होते हैं इन ओपन वाटर, नॉट अब हम ये कह सकते हैं कि एक वाटर है जिसको हमने कंट्रोल कंडीशंस प्रोवाइड की गई हैं, ये वहाँ नहीं ओपन वाटर में। ये है फिश की टाइप ट्यूना। इसमें क्रॉस सेक्शन होंगे, ये वाले क्रॉस सेक्शंस होंगे जो फिल्ड हैं ब्लैकिश कलर के क्रॉस सेक्शंस होंगे, और इसकी टाइप है ट्यूना। देन फिश है टोटक, ये फिश है हमारे पास, और इसकी शेप होती है कंप्रेसिव फॉर्म, मतलब एक चीज़ ऐसी है जिसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया गया है, इसकी वो वाली टाइप है। और ये इसकी लोकोमोशन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये होती है क्विक स्पीड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, कि अगर थोड़ा डिस्टेंस है ना तो वहाँ पे क्विक स्पीड प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट फिश की टाइप है स्केट, स्केट ये फिश की टाइप है स्केट। अब इसकी शेप कैसी होगी, ये होगी डिप्रेसिव फॉर्म, कि डिप्रेस जो चीज़ होती है ना, जिस तरह किसी भी चीज़ को हम डिप्रेस कर दें उस टाइप की होगी ये, और इसकी लोकोमोशन होती है स्विम लाइक अ फ्लाइंग बर्ड। आप ये भी देखें कि ये देखें इसकी जो फिश का स्ट्रक्चर है, ये भी एक बर्ड की तरह नहीं है, जिस तरह हमारे पास बटरफ्लाई होती है तो ये उसी तरह फ्लाई करेगी, लाइक अ जो हम देखेंगे ना स्विम लाइक अ फ्लाइंग बर्ड। नेक्स्ट हमारे पास फिश की टाइप है पाइप फिश, पाइप फिश, पाइप फिश की जो शेप होती है ये होती है फिली फॉर्म, जिस तरह सीलिया वगैरह नहीं होते हमारे पास फिली फॉर्म होते हैं, ये उस तरह की होगी, और इसकी लोकोमोशन होती है स्नेक लाइक, जिस तरह एक स्नेक नहीं अपनी मूवमेंट शो करता zigzag मैनर में, या हम ये कह सकते हैं कि स्नेक जिस तरह अपनी बॉडी को पुश अप करता है और कर्ल कर लेता है, इसी तरह इसकी मूवमेंट होगी। स्लिटर थ्रू द वाटर लाइक स्नेक, आपने इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर भी देख लें, ये भी स्नेक लाइक है। देन अब हम देखेंगे